इसमें अपने पास 102 क्वेश्चंस हैं, 102 क्वेश्चन, रोटेशन वाला चैप्टर 102 क्वेश्चंस हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एक्ट्स। अच्छा हाँ सही है एकदम, तो करेक्ट उत्तर बन चाहिए अपन को, है ना। अब टू वाला क्या, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइट लार्ज एरियाज। पता नहीं। फोर्थ वाला, रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस इज द लेंथ, एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी अप टू द एक्सिस। वही सब इतने खतरनाक स्टेटमेंट्स दस मेरे। तो वन के बाद फोर और टू में से सेलेक्ट करना है। हाँ ये बात सही लग रही है, वन और टू सही हो जाएगा, गलत तो वन और फोर ही सही था। ठीक है, स्टेट थ्योरी वाले क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अच्छे से टॉपिक को। अब जाओ कहाँ, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस, थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो डिस्क ही है, हाँ पहले भी डिस्क है, बाद में भी डिस्क है। ओके पहले बोला है कि पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू प्लेन, मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। फिर बोल रहे हैं गायरेशन डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर से एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, फोर ऊपर जाएगा टू रेशो बन आंसर आ जाएगा। अरे यार क्या है, अच्छा अच्छा हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन रूट आता है ना, तो रूट टू बनाएगा भी आएगा आंसर। सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा, रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो कॉफिशेंट है उसका रूट करना है और फिर रेशो निकालना है। रेशो वाले क्वेश्चन पहले गलत करता, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क निकालना था, 3 जूल एक्ट ऑन द परपेंडिकुलर पार्टिकुलर हूज पोजीशन वेक्टर इज 2k। ओके आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर अपने पास 2 है, के जी का आई आएगा माइनस का आई, आई जी के आई, आई जी के आई जी जे के जी जी के होता है, के जी में आई माइनस आई का। ठीक है, द पर्सन ऑफ द मास 55 किलो एंड 65 किलो रिस्पेक्टिवली एट द अपोजिट एंड ऑफ द वोट, द लेंथ ऑफ द वोट इज 3 मीटर एंड द वेट इज 1000, ए वेट इज 100 kg, द 55 किलो मैन वॉक्स अप टू द 65 किलो मैन एंड स्टिल एंड सिट्स विद हिम, इफ द वोट इज स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट वाई, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा पहले तो कि नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, बात खत्म। वाओ, फोर आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। अच्छा जी ठीक है, फोर आइडेंटिकल फ्रेम्स हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सेंटर ऑफ द फ्रेम, ठीक है तो लिखना पड़ेगा, ये है फ्रेम और ये सेंटर, तो यहाँ पर कितना होता है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ पर इस एक्सिस के थ्रू एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है, तो दूर कितना होगा एम आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, सबसे पहले तो एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व और इसमें एल डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा क्योंकि लेंथ इसकी एल थी। ओके तो ये एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस वन 13 एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 4 करेंगे तो 4 बन जाए 4 4 थ्री 12 हो जाएगा, 13 बाय 3 आएगा आंसर, गलत ऑप्शन में दिया था लेकिन भाई साहब कुछ तो करीब आता है मुझे ऐसे, ये है ना, ये एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है और 3 सेंटी करिए तो 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा डिस्टेंस, पर क्यों यहाँ से एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम ऑन द पॉइंट एक्सिस
थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। डिस्टेंस अभी भी एल है, तो डिस्टेंस एल है तो और रॉड घूम रही है। एम एन स्क्वायर बाय 12, यहाँ मोटा से कम होता है। हाँ, फोर्थ आंसर होगा, ठीक लग करेंगे। डिस्टेंस सेम ही था, आई नॉट प्लस एम एल एम डी स्क्वायर प्लस करना था हर बार। एम एल स्क्वायर बाय 12 और एम एल स्क्वायर बाय 4, एम एल स्क्वायर बाय 3 आंसर। ओह शिट, यहाँ से यहाँ पर एम एल स्क्वायर 3 होता तो यहाँ भी एम एल स्क्वायर 3 होगा। शिट 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 शिट, सॉरी गलत करा मैंने। यहाँ पर एम एल स्क्वायर 3 होता है, यहाँ से यहाँ दूर भी एम एल स्क्वायर 3 होगा और 4 टाइम्स कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेस्ट 75 किलो का मैन फ्रॉम अ पुली। ओके, इफ द रोप इज पुल्ड 12 मीटर देन द लोड इज लिफ्टेड टू द 3 मीटर। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द पुलीस विल बी, देखो एफिशिएंसी पक्की बात है कि 100 से कम है। हाँ, और तो 100 से कम है अगर, भाई साहब थोड़ा ध्यान से। मैकेनिकल एडवांटेज पुली पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ पुली है ना, तो 250 न्यूटन का फोर्स है वो 75 किलो के मैन को लग रहा है, तो 750 को उठाने के लिए सिर्फ 250 ही लग रहा है, तो 75% ही एफिशिएंसी नहीं हुई। एंड फ्रॉम द पुली, पुली इज पुल्ड 12 मीटर लोड इज 3 मीटर, ये कितना उठा सर, 3 मीटर ही उठा, और इसको कितना खींचा, 4 मीटर। इसको इंटू करेंगे दोनों को अगर आपस में, तो ये आएगा 1000 और ये आएगा 3 से इंटू करने 75 को। देख रहा, मैं अंदर लगा रहा हूँ एक मिनट, 1000 75 इंटू 30 कर लो उसको, डिवाइडेड बाय 1000 तो 3515 फाइव बनिया से 22.5। ये क्या बात है, नहीं आया वाला क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा, रिवीजन में भी नहीं, रिवीजन में भी नहीं है, छोड़ो। विच व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इफ लीनियर वेलोसिटी पूछी है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, तो आर क्रॉस ओमेगा होती है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अच्छी चैप्टर ये वाला। ठीक, द 3 माइनस 4 और के बस 1 है। ठीक है, 5 माइनस 6 और यहाँ पर भी कितना है पास, 6 है। ठीक है, इसको छुपा लो और इसको इंटू करो तो माइनस छः और इसको इंटू करो तो -24, लेकिन माइनस पहले से लगाएंगे तो -24 करेंगे प्लस हो जाएगा, +24 प्लस माइनस माइनस तो माइनस, प्लस का 18 आना चाहिए, प्लस का 18 एक नहीं आ रहा है तो आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या होता है, अपन टी टीचर ने पढ़े, वो देखो 6:30 बज चुके, अपन उजाला हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड 3 kg रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 4 meters per second। सॉलिड सिलेंडर है और 3 kg का अपने पास, हाँ 3 kg का मास, सॉलिड सिलेंडर जो है मास 3 kg है उसका। ठीक है, और वो रोल कर रहा है तो स्मॉल एक्सिस से ही रोल कर रहा होगा, सिलेंडर है तो मतलब डिस्क है। m² बाय 2, ठीक है ना, अच्छी बात है, वेलोसिटी भी दी है उसकी। If collides with the horizontal spring of, अच्छा collide भी कर दिया उसने spring से, तो constant जिसका force constant उसका दिया हुआ है, the maximum compression x कितना होगा, यानी k दिया है x पूछा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को energy conserve करवाएंगे तो potential energy convert होगी उसकी energy,
स्टॉप तो हो ही जाएगा बाद में, तो हाँ के लिए ही है एक्स स्क्वायर। एक्स पूछा है, वो चल रहा था और घूम रहा था, दी है हाफ एम बी इसको थोड़ी लगाएंगे, रूल कर रहा था, रूल कर रहा था, तो फिर अपन लगाएंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है अपने पास, आई अपने पास कितना है हमारे स्क्वायर है फोर, हाँ आई कितना है हमारे स्क्वायर है तो थ्री रखो और हमारे स्क्वायर टू है सॉरी, तो वन बाय फोर हो जाएगा। ठीक है रेडियस नहीं दी इसकी, और रेडियस तो दी नहीं है इसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा यहाँ पर, तो सिंपल हाल हो गया तो सिंपल हाफ एम बी स्क्वायर लग जाएगा, हाँ एम थ्री फोर हो जाए सिक्सटीन दिया जाएगा एट। ठीक है 24 इंटू टू 48, 48 डिवाइड बाय 200 टू बन जाए टू, टू टू जाए फोर, टू फोर जाए एट, पॉइंट टू फोर, पॉइंट टू फोर का रूट करना है, पॉइंट टू फोर का रूट करेंगे तो वो तो बहुत 4.04 आएगा। इसलिए तो आ रहा है आंसर, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, अभी इसको छोड़ दो बाद में देखेंगे। ठीक है टू रोटेटिंग बॉडीज हैं अपने पास ए और बी, ठीक है इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एल ए एंड एल बी विद द एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में एल के प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है अगर हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के, एम के और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो जो पी है मोमेंटम है एल इज प्रोपोर्शनल टू एम होता है, सिंपल सी बात है ना। तो मास ज़्यादा होगा जिसका उसी का उसका मोमेंटम एनर्जी ज़्यादा होगा, बी का तो बी का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है ये हो जाएगा, ये तो प्लैंक वाला सवाल तुमने देखा है, रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइव्स एजेस ए एंड बी, हाँ ए एंड बी से अपन ने उसको सपोर्ट कर रखा, नाइव्स आर एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द ईच सेंटर, डिस्टेंस दिया है डिस्टेंस ही फ्रॉम द ईच अदर, अच्छा ये लो द सेंटर ऑफ द रॉड इज एट द डिस्टेंस एक्स एक्स फ्रॉम ए, तो ए से डिस्टेंस कितना है एक्स है, ओके द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ए इज, तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अगर अपन इस x को जीरो कर दे, a का पूछा है डिस्टेंस, हाँ x है, अपन a को जीरो नहीं कर, अपन d को जीरो कर दे, दोनों को पास में ही ले आए एकदम, तो पूरा नॉर्मलाइजेशन वेट ही आएगा, हाँ तो d को जीरो करने पर वेट तैयार नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर d को जीरो करने पर x बच रही आ रहा आंसर, यहाँ पर नहीं आ रहा कि वेट पूरा नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए, गलत हो गया भाई साहब, एम आस्टर लगाना नहीं आता, सवाल सॉल्व करना पड़ेंगे। ए नॉर्मलाइजेशन तो ए पूछा था, सिर्फ ए पर पूछा था, सेंटर पे पूरा वेट लगता है, अगर सेंटर पे रख देता तो फिर एक्स को जीरो करना था, तो हाँ तो भी आंसर होना चाहिए था, ऐसे तो रट के काम नहीं बनेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, मैं रिविजन कर लूँगा, सॉल्व करना मुझे आता है वाला सवाल, रिविजन कर लूँगा मैं देख कर अच्छे से, कोई हमारे स्टार नहीं लगाना, सॉल्व ही करना पड़ेगा। सही है वैसे भी यार नॉर्मलाइजेशन वेट से कम होगा, वेट से क्या होगा कम होगा, तो डी जो है वो ज़्यादा बड़ा है, डी ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा नीचे आना चाहिए,
नहीं कोई लॉजिक नहीं, सॉल्व कर देंगे इसको मैं बाद में। फिर बताओ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंड एट द, बेंड कर दिया तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया बेंड कर दिया। व्हाट डेफिनेशन ऑफ द बेंड रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द वेंटिंग रॉड पॉइंट प्लेन टू द एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है तो वही होगा, वही रहेगा। टू डिस्क हैं रोटेट कर रही हैं मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क, टू डिस्क आर रोटेटिंग एंड टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क। अच्छा ऐसा सीन है कुछ ऐसा और ऐसा, ठीक है। आर पासिंग थ्रू द सेंटर टू द डिस्क सेंटर ऑफ द डिस्टेंस डी वन एंड हैज टू के जी, डिस्टेंस डी वन हैज डिस्क डी वन हैज टू के जी मास एंड रेडियस इसकी दी है, ठीक है। एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दी है, हाउ डिस्क ड्यू टू हैज द 4 के जी मास एंड रेडियस दी है उसकी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दी है क्या भैया। टू डिस्क आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, भाई साहब उसको टच करवा दिया, हाँ फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो उसका फॉर्मूला होगा है ना, फॉर्मूला होगा फॉर्मूला आके देखे आई वन ओमेगा वन क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू अपन आई वन प्लस आई टू, ऐसा होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा एंगल मोमेंटम, पता नहीं कितनी देर से चल रहा है कितने से रुका है, मैंने कितने सवाल कर लिए, रिकॉर्डिंग कब से रुकी बता देना, रिकॉर्डिंग कौन से सवाल से रुकी थी, ठीक है मुझे पता नहीं है। हालांकि ये सवाल देखो अभी तो काफ़ी, इसमें क्या करा जाए, कॉन्टेक्ट मिलाए हैं दो डिस्क ओपन तो एंगल वेलोसिटी पूछी है तो वही होगी आई वन ओमेगा आई टू ओमेगा टू, आई लिखते हैं डिस्क हैं दोनों, दोनों का आई का कोएफिशिएंट तो सेम ही होगा, वो तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, और या फिर आई सेम होंगे ना डिस्क, नहीं आई अलग अलग होंगे और कोएफिशिएंट वाले सेम होगा, लेकिन तो एम आर स्क्वायर बचेंगे दोनों के और एम आर स्क्वायर इधर भी और ओमेगा वन ओमेगा टू बचेंगे, देख लेते हैं मैंने सॉल्व करूँगा। एम मतलब दो, आर स्क्वायर मतलब पॉइंट टू का स्क्वायर तो 4.04 100 से डिवाइड किया 8.08 आ गया, ठीक है प्लस नहीं 0.08 और 8.40 और 400 तो 40, ठीक है 40 आया, प्लस करेंगे अपन 40 को प्लस करेंगे अपन है 4 जस्ट नहीं एम 4 2 और 0.01 यानी 4 बन जाए 4 0.01 आया 0.01 0.04 और 0.04 ये 4 को 8 से करेंगे 800 आएगा 880 40 वैसे 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 120 से कम आया था, हाँ 120 डिवाइडेड बाय पॉइंट अब आई कितना था 120 डिवाइडेड बाय हमारे स्क्वायर 2 × 4 0.04 अरे यार एक सेकेंड 0.2 × 4 0.04 × 8 0.08 है ना 0.08 और यहाँ पर 0.01 0.01 और 4 0.04 तो 0.04 यानी 0.12 यानी 100 ही आंसर आ जाएगा इसका, तो काफ़ी अच्छा सवाल था। तो हो गया सिंपल था, दो रिस्क है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी उनका सेंटर ऑफ मास सेम करना था, सिंपल था। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर द सॉलिड स्फीयर, अब देखो
अपने पास रेशो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन का रेशो पूछा है, रोलिंग डाउन इंक्लाइन पिन एंड स्लिपिंग डाउन इंक्लाइन पिन विदाउट रोलिंग। अच्छा, तो इंक्लाइन पिन थीटा है अगर, तो विथाउट स्लिपिंग करेंगे अगर अपन, तो सर प्योर रोलिंग होगी। हाँ, एंगल एंगल वाला फैक्टर तो कट ही जाएगा, यानी और एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। और है कौन, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। Wi-Fi मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऐसा। हाँ, और कुछ तो ऐसा फैक्टर आ नहीं अलग से, रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर द सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन एंगल विदाउट स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग, तो भी कट ही जाना है। नेट फोर्स जब रोल कर रहा होगा तो आई लगेगा, MR² मैंने 2/5 ही लगा देना है, लगा दो जो लग रहा है लगा दो, गलत है, मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो। जी साइन थीटा बीटा करना था इनटू, एक्सेलरेशन नहीं होता सिंपल रोलिंग मोशन में, जी साइन थीटा बीटा होता है मुझे पता है, लेकिन सब वही तो आ रहे थे, वही पढ़ना और सवाल करना अलग अलग होती है। जी साइन थीटा बीटा आएगा, बीटा अकेला इसका आंसर हो जाता सिंपल। और यह कौन, सॉलिड स्फीयर, ये हमारे शायद से हो जाता, नहीं लगाया, नहीं कोशिश नहीं करी, देखो मैं कर दे रहा हूँ, पॉइंट्स देखो 0.5 0.6 0.66 0.71 रिंग स्फीयर डिस्क स्फीयर। रिंग स्फीयर डिस्क स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर का 5/7 होता है, तभी तो 0.71 आएगा, 7/5 होता है, तो 7/5 होता है। और उन्हें बोला है स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग, तभी तो 7/7 = 49, हाँ तो 5/7 होता है बीटा। मैं अभी ये समझा तो ही रहा है, सवाल सॉल्व करना है, मैं बताऊँगा, मुझे आ गया, मैं कर लूँगा अभी सवाल को, इस सवाल के जैसे कोई सा भी सवाल होता है वो कर लूँगा मैं, ठीक। चाहे उसमें साइंस सॉलिड स्फीयर की जगह सॉलिड सिलेंडर लिखा हो, चाहे उसमें रिंग लिखा हो, चाहे उसमें डिस्क लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक्सेलरेशन पूछा तो मैं कर दूँगा, ठीक है। अब क्या बोला, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट अपने पास ए बी एंड सी, सर्कुलर रिंग, ईच हैव सेम मास एम रेडियस आर, ठीक है, तो मास सेम है, रेडियस भी सेम है, ऑल इज विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द ऑन देयर ऑन सिमेट्री एक्सिस। अच्छा, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, जिसकी एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, एनर्जी किसका ज़्यादा होता है देख लो आप, मोमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा किसका होता है, 0.5 ओमेगा² लगेगा, वेलोसिटी सेम ही है, तो सॉलिड स्फीयर में 2/5 आता है, सॉरी इसमें कितना आता है 2/5, सॉलिड स्फीयर में कितना आता है 2/5, हाँ ओके, फिर क्या लिखा है, थिन सर्कुलर डिस्क, डिस्क में क्या आता है MR² / 2, तो 1/2 आता है 0.5, रिंग में कितना आता है सिंपल MR² सबसे ज़्यादा, तो वही है वैसे, अगर उसी में करना पड़ेगा सी में, ठीक है हो गया, द पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूविंग टुवर्ड द ईच अदर, अच्छा रेस्ट पे थे इनिशियली, हाँ
फिर वो क्या बोल रहे हैं, स्पीड आर वी एन वी द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम। भाई सेंटर ऑफ मास सिस्टम की स्पीड तो वही रहेगी जो थी, जीरो। वो तो चल ही नहीं रहा था पहले से, तो वो क्यों चलेगा? बात तो सही है, वो चल ही नहीं रहा था, वो क्यों चले? वो तो नहीं चलेगा। अब ये बोला है कि इसमें ए बी और सी दिया है। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ओ एज इट्स सेंटर। अच्छा, थ्री फोर्सेस काम कर रहे हैं। इफ द टॉर्क टोटल टॉर्क इज जीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ थ्री। टोटल टॉर्क जीरो करना है, इसका मतलब फोर्स डिस्टेंस सेम ही है सब में, तो फोर्स ही सेम हो जाएंगे, दो फोर्स का सम भी जो है वो सेम हो जाएगा। 120 डिग्री पर दो फोर्स का सम कितना होगा, क्योंकि एफ थ्री निकालना है। तो 120 डिग्री पर दो फोर्सेस का सम कितना होता है, अब रूट थ्री होता है। इतना मैं नहीं करना क्योंकि एफ वन प्लस एफ टू डायरेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ लग रही है ये वाली फोर्स, इस पॉइंट पर लग रही है। नहीं, सम अगर बराबर भी हो जाए तो भी सिंपल है, क्योंकि टॉर्क चाहिए ना अपन को, तो फोर्स भी चाहिए, रिलेटेड फोर्स वही चाहिए। ठीक है, अगर मान लो दो वेक्टर थीटा पर हैं और एंगल बिटवीन देम रूट थ्री क्रॉस भी, अच्छा बहुत सिंपल है, रूट थ्री का बात है, बड़ा एंगल दबाता है, साइन अपॉन कॉस में बड़ा एंगल कब आएगा, 60 पर आएगा। टू मासेस, एक थ्री मासेस आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, हाउ तो फिर एट द ओरिजिन एक्स एक्सिस 300 ग्राम, एक्सिस की तरह 300 ग्राम, साढ़े पाँच से साढ़े छः घंटा। ओके, थ्री मासेस आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस 300 ग्राम एट द ओरिजिन 500 ग्राम एट द 40 सेंटीमीटर। थ्री मासेस हैं एक्स एक्सिस, 300 ग्राम एट द ओरिजिन रखा है, 500 ग्राम 40 सेंटीमीटर रखा है और 400 ग्राम 70 सेंटीमीटर पर रखा है। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम द ओरिजिन पूछा है, तो जो सेंटर ऑफ मास वाला उसका डिस्टेंस तो हम जीरो ले लेंगे, है ना, और उसको इंक्लूड तो करेंगे इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने में। ठीक है, तो 300 वाले कुछ नहीं, 500 इंटू 40 सेंटीमीटर पर 5 4 20 प्लस 4 7 28 डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल मास से कितना, तो 3 5 8 8 8 8 8 7 8 9 10 11 12 28 38 48 डिवाइड बाय 12 12 48 फोर आंसर आना चाहिए सिंपल। शुरू ही ना यार पूरा करूँ। फिर उन्हें बोला ए सॉलिड स्फीयर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ द सेम मास। सॉलिड स्फीयर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ द सेम मास, ठीक है, एंड रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन द इंक्लाइन फिन देन। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, नीचे कौन आएगा, नीचे आने के लिए आई सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा जल्दी आएगा, फास्ट रोल करेगा, तो रिंग आएगी। इनने बोला नीचे कौन आएगा सबसे पहले, स्पीड किसी कितनी भी हो पर नीचे सब सेम टाइम पे आना चाहिए ऐसा लगता है देखने में। सॉलिड स्फीयर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम ही है ना, और टाइम का पूछा है, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग है, आई डिस्क लग रही है बट डिस्क और सॉलिड स्फीयर जैसे ही होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर आएगा,
यार जब क्वेश्चन मुझे आता है तो क्यों वेट कर लो मैं, इट टेक्स मिनिमम टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर 2hyg और बीटा नीचे आए, इसका बीटा ज़्यादा, इसका बीटा कम उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका बीटा ज़्यादा उसका टाइम कम। हाँ बीटा ज़्यादा किसका था, बीटा ज़्यादा सॉरी किस पेयर का था यार, मैंने गलत करी इसमें हमेशा लग रहा है मैं लगा नहीं पा रहा, मैंने सॉल्व नहीं कर सारे क्वेश्चन लिए, जैसे 102 क्वेश्चन होंगे सॉल्व पूरे, मुझे लगता है सारे हमेशा सीख जाऊँगा। अब ये टाइम वाला फॉर्मूला था, पूरे जो चार्ट है उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी इसको अच्छे से देखा भी नहीं, ठीक है इन क्वेश्चन के साथ हो जाएगा, अब देखेंगे नहीं अपन, सिंपल टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। जब भी रोलिंग वाली बात होगी तो टाइम मास्टर को सोचना है जरूर, ठीक है एक बार। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन द रोड, मूव्स ऑन ए रोड ओके विथ ए स्पीड, स्पीड दी अपन को 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऑटोमोबाइल है जो कि रोड पे चल रहा है और इसकी स्पीड दी है अपन को 54 किलोमीटर पर आवर। द रेडियस ऑफ द व्हील इज, रेडियस ऑफ द व्हील दिया है अपन को इतना। द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द व्हील अबाउट इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज 3 kg। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट एक्सिस इज 3 kg पर मीटर स्क्वायर इफ द व्हील इज ब्रॉट टू द रेस्ट इन 15 seconds। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ब्रेक ऑन द व्हील इज, शिट टॉर्क पूछना था, टॉर्क बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ, लेकिन वो नहीं लगेगा यहाँ पर, आई अल्फा होता है, आई अल्फा लग जाएगा, ठीक है। आई कितना है, 3 है, अल्फा पता नहीं, स्टॉप करने में जो लग रहा है तो वी स्क्वायर, स्टॉप करने में लगेगा इस रोड पर स्पीड दिया है बस 54 और रेडियस दिया है तो वी स्क्वायर बाय आर अल्फा, एंगल क्या होता है, एंगल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा वी स्क्वायर बाय आर, तो 54 into 54 बाय आर, आर कितना है 0.45 ओके 15 seconds में रोक गया रेस्ट इन द 15 seconds, उससे क्या 15 seconds रुक गया, वी स्क्वायर बाय आर से तो 80 निकलता है ना, हाँ तो रुका है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर सकते हैं क्या, हाँ चेंज मोमेंटम टाइम भी कर सकते हो, चेंज इन आई ओमेगा अपॉन टाइम, स्टॉप ही हुआ है तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है और इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो 3 into ओमेगा कितना होगा, 3 into वी बाय आर यानी 54/45 और 15 25 ठीक है 15 sorry 25 ये 5 5 20 ठीक है 20 आ गए। अब 54/45 चलो वो बन आएगा, ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए जो कि दूर दूर तक नहीं है, पता नहीं बढ़ा तुक्का लगाया है मैंने, ओ शिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, फिर एक्सेलरेशन निकाल कर चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम करके एक्सेलरेशन निकाल कर रीन पर सेकंड में कन्वर्ट करके आई अल्फा ही लगाया आखिरकार, फिर 100/45 आया, चेंज मोमेंटम नहीं लगाना था पता नहीं क्यों, कुछ को बताओ तो बता देना चेंज मोमेंटम क्यों नहीं लगाना था, ठीक है देख लेंगे।
चलो बस काटते हैं, बाकी किस 80 क्वेश्चंस बाद में करेंगे।